हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी मेरे दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हमें ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन करने हैं। एक दो ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा हमें पता है, हमने सब पहले भी सीखा हुआ। एक दो करते हैं और सर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर वन लिखते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? क्योंकि पिछले लेक्चर मैंने आपको पूरा फॉर्मूला सिखाया था। सर मेरे को स्टॉक दे रखा है ऑन 1 अप्रैल, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 40,000 रुपए का। परचेजेस दे रखी है मुझे 4 लाख रुपए की, 4 लाख का मैंने परचेज करा। सेल दे रखी है दोस्तों 3,80,000 रुपए की। कैरिज इनवर्ड दे रखा है, कैरिज इनवर्ट दे रखा है दोस्तों 20,000 रुपए का। रिटर्न आउटवर्ड 80,000 रुपए का। वेजिस एंड सैलरी 50,000 रुपए। रिटर्न इनवर्ड 20,000 रुपए। और स्टॉक और 31 मार्च 2018 को 1,30,000। 5 मिनट दे रहे हैं सर आपके पास, 5 मिनट में आप जल्दी से करके दिखाएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। चलो तो फॉर्मेट में जल्दी से बना रहा हूँ, आप जल्दी से करके दिखाएं, विदाउट फॉर्मेट करके दिखाएं, जल्दी से करके दिखाएं, 5 मिनट आपके पास है, मैं अब तक फॉर्मेट बना रहा हूँ, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने फॉर्मेट आपको सिखाया था, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब एक एक करके डालते, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्यों डालते हैं बताना। ओपनिंग स्टॉक सर बेस को सेम करने के लिए, ओपनिंग स्टॉक आएगा 40,000 रुपये। फिर आएगा टू परचेजेस, सर आउटवर्ड कराए, खरीद कर बाहर भेज दिया, परचेजेस 4 लाख रुपए की। और सर इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है हमने बाहर भेजा अपने गुड्स को, तो बाहर कब भेजूंगा जब खरीद कर लाऊंगा, तो 80,000 रुपए मैंने यहां से माइनस कर दिया, यहाँ आपके आ गया 3,20,000 रुपये। भाई सेल को यहां डालेंगे, बाय सेल कितने करिए भाई, 3,80,000 रुपए की सेल है आपकी, जिसमें से मैंने रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया, यहां से रिटर्न इनवर्ड मैंने यहां से हटा दिया। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न हो गया, और सेल रिटर्न कितना आया सर 20,000 रुपए। हर एक डिटेल मैंने आपको सिखा दी थी, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, माइनस कर देंगे तो आपके 3,60,000 रुपए आपके पास सेल हो गई। सर कैरिज इनवर्ड है, आउटवर्ड होता तो नहीं डालता, कैरिज इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा पीएनएल अकाउंट के, कैरिज इनवर्ड सर 20,000 का। देखो अगर वेजिस पहले है, अगर वेजिस पहले है तो पूरे ऐसे वेजिस एंड सैलरी और सैलरी एंड वेजिस ऐसे आ सकता है, अगर जो चीज पहले होगी वही ट्रीट माना जाएगा पूरे। जैसे अगर वेजिस सैलरी है तो वेजिस सैलरी को इग्नोर कर देंगे, पीछे वाले को इग्नोर कर देंगे और आगे वाले को माना जाएगा। तो वेजिस एंड सैलरी है तो पीछे वाले को इग्नोर कर देंगे, सैलरी एंड वेजिस होता तो सैलरी ऑफिस का पार्ट होता है, इसलिए कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वेजिस सैलरी है तो पीछे वाले को इग्नोर करेंगे, वेजिस ही है, यहाँ पर डाल देंगे वेजिस, लिखेंगे पूरा, पर इसको सैलरी माने या वेजेस, तो जो आगे होगा वो मानेंगे, जो आगे होगा वो माना जाएगा 50,000 रुपए। और सर बाय क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने दोस्तों 1,30,000 रुपये। बस यहां पर हम इसका टोटल करेंगे और यहां मेरा आंसर आ जाएगा, बस सर इतना बहुत है, फिर अभी क्वेश्चन भी करने हैं,
एक क्वेश्चन बहुत है समझने के लिए, एक क्वेश्चन समझ में आता है कि भाई ये आपके पास फॉर्मेट है, एबनॉर्मल लॉसेज नहीं दे रखा। आगे ना मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहां पर आपको देखना, वहां पर आपको सब कुछ गिवन होगा। 4,90,000 इसका टोटल आया मेरे भाई, इसका भी देख लेते हैं एक बार। 3,20,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 4,30,000 इसका टोटल आया था। 4,90,000 टोटल करके 4,90,000, और यहाँ पर रिमेनिंग जो बच गया 4,30, तो 4,90 में समाइज करके तो आपके पास 60,000 आपके पास आ गया। इसको हम नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोल देंगे दोस्तों? टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब दोस्तों सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल कैसे बनता है, फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ध्यान देना, फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट कुछ भी है, सर मैं कितने खर्चे कर सकता हूँ। देखो पीएनएल अकाउंट के अंदर वो खर्चे आएंगे जो ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, जो ट्रेडिंग के अंदर खर्चे गए वो तो वहां आएंगे, उसको छोड़कर बाकी जितने भी एक्सपेंस है वो सारे पीएनएल में आ जाएंगे। वो इनकम जो ट्रेडिंग में है वो तो गई, और उसको छोड़कर बाकी जितनी भी इनकम है, सेल को छोड़कर बाकी जितनी इनकम हो रही है सारी कहां आएगी? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? ऐसा बनता है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट आपको सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा। और मैंने ये बात बार बोली सर, इतने में मेरा खत्म हो जाएगा। मैं पूरा फुल फ्लैश फॉर्मेट नहीं बता रहा आपको, मैं फुल फ्लैश फॉर्मेट बनाने का टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है दोस्तों, फुल फ्लैश फॉर्मेट। क्यों? मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने कहा सर ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़कर जितने भी खर्चे है वो कहां पर आ जाएंगे? वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़कर, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्चा है उन खर्चों को छोड़कर बाकी जितने भी खर्चे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो नहीं आए वो सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट में आएंगे। दोस्तों ये मेरा फॉर्मेट कुछ इस तरह बनेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। अब जरा ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। दोस्तों यहाँ पर मुझे आपको कुछ बताना भी है, ध्यान देना जरा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं हम बताते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर्मेट कैसे बनेगा। फॉर्मेट बनेगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल, लिखेंगे कैसे को लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, लिखने का तरीका ये लिखना हर बार आपको। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, जो भी बुक हो, जिसकी बुक में हम ये अकाउंट बना रहे हैं, जिसकी बुक में हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बन रहा है, लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। दोस्तों फॉर द ईयर एंडेड का मतलब हुआ, एक बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो वहां पर फॉर द ईयर नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे एज ऑन। तो एक फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन में डिफरेंस है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है कि कोई भी अकाउंट जिसके अकाउंट में लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 31 मार्च 2000 जो भी होगा, 31 दिसंबर जो भी होगा, 31 मार्च तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारे रिकॉर्ड है। एज ऑन का मतलब है एक दिन की। हमेशा ट्रेडिंग एंड पीएनएल जो बनता है वो पूरे साल का बनता है, इसलिए पूरे साल की ट्रांजेक्शन आती है, तो फॉर द ईयर एंडेड पूरे साल की बातें है इसके अंदर। बैलेंस शीट बनाते टाइम हम इसको लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2000, ऐसे करके। एज ऑन का मतलब हुआ सिर्फ बैलेंस शीट एक दिन की बात बताएगा, कल क्या होगा नहीं पता, कल क्या हुआ था ये भी नहीं पता, एक दिन की बात बताता है बैलेंस शीट। तो दोस्तों टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना रहे, सबसे पहले क्या करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेस। मैं एक शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं, मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैंने कल ही सिखा दिया था, बाय नेट सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, कल मैंने डिटेल में सिखा दिया था। मैं अभी आज शॉर्ट फॉर्म, टू डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी है, गिने चुने होते हैं दोस्तों इसमें, जितने इसमें आ गए वो तो इसमें आ गए, बाकी सब इसमें आएंगे। और बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक लॉस, दोस्तों इसका मैंने टोटल कर दिया और इसका मैं यहां पर टोटल कर देंगे, तो जो भी टोटल आएगा यहां पर लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर लिख देंगे, स्टार लगाएंगे, और यहां पर अगर ग्रॉस लॉस आता है तो ग्रॉस लॉस। स्टार लगाने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है एक टाइम के अंदर। देखो ध्यान देना, सर जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगले साल इसको ट्रांसफर करके इनकम साइड में डालेंगे, ये हुआ हमारा क्लोज पोस्टिंग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। वैसे तो देखो बन तो एक रहा है,
तो यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है दोस्तों, यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है और इसको मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर। अगर प्रॉफिट हुआ था तो, अगर लॉस हुआ था तो ट्रांसफर कर दूंगा क्रॉस में, तो बाय ग्रॉस लॉस। ये क्लियर है या नहीं दोस्तों? यहां तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था दोस्तों, यहां तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था, इसके बाद चालू हो गया पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट चालू हुआ तो पहले याला ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे इस वाले ग्रॉस प्रॉफिट में। और सर याला ग्रॉस प्रॉफिट, एक मिनट, हाँ याला ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, एक और हाईलाइटर निकाल लेते हैं यहाँ पर, याला ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे सर यहाँ वाले पर, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे याला ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा दोस्तों, तो जो भी होगा वो ट्रांसफर। तो यहां से मेरा, जहां से मेरा येलो लाइन से चालू हुआ, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस होगा, दोनों एक साथ बनते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने हेडिंग में डाल दिया ट्रेडिंग भी है एंड और साथ में पीएनएल अकाउंट भी है। क्लियर है? हाँ, आपको पता है, मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने पहली बार सीखा है। सर यहां पर लिखेंगे टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस, टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी है एक्सपेंस और लॉस वो यहां पर आ जाएगा। यहां लिख देंगे बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम, बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम, बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन, जितना भी हो यहां पर डाल देंगे। और जैसे डाला फिर दोबारा टोटल कर देंगे। हो सकता है कि भैया टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा आए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो हमारा निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। क्या निकल कर आता है दोस्तों? नेट प्रॉफिट आता है। और अगर सर नेट प्रॉफिट ना आए, मान लो अगर आप डेबिट साइड ज्यादा आ गया तो हमारा निकल कर आएगा बाय नेट लॉस। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? नेट लॉस, बाय नेट लॉस निकल कर आएगा। तो ये हमने पहले भी सीखा था, बस मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि हम सारी चीजें नहीं लिखेंगे। मैंने कहा ना गिनती के खर्चे याद कर लो, जो ट्रेडिंग में आते हैं उसके बिना और कोई भी खर्चा होगा ना सारा पीएनएल अकाउंट में आएगा। ये देखना नहीं है इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, सीधा पीएनएल में डाल देना। किस किस को देखते रहोगे इनडायरेक्ट डायरेक्ट? सर सीधा पीएनएल में डाल देना, सिर्फ किन खर्चों को जोड़कर, जो खर्चे मैंने कल लिखवाए थे इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस के, जो मैंने खर्चे कल डायरेक्ट एक्सपेंस के इसमें लिखवाए थे। क्लियर है? और यहाँ पर मेरा पीएनएल अकाउंट कुछ इस तरह क्लोज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेनली जो बनता है वो बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस में लिखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है बताना जरा? बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, मार्केट में हम कहां स्टैंड करते हैं। तो बैलेंस शीट, मैं छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं। और बैलेंस शीट अगर टोटल नहीं आई तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है दोस्तों। बैलेंस शीट टोटल आना बहुत जरूरी है, बैलेंस शीट का टोटल आना बड़ा जरूरी है। बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट क्या होती है दोस्तों? एक स्टेटमेंट होती है एसेट और लायबिलिटी का, एक स्टेटमेंट होता है भैया जितनी हमारी एसेट होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? कहता है हमारी एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होगी। तो इधर आती है लायबिलिटी साइड, ये क्या होगी दोस्तों? लायबिलिटी साइड होती है अमाउंट, ये होता है एसेट साइड। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उन स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ एज ऑन 31 मार्च जो भी दिया होगा। एज ऑन का मतलब समझना है, एज ऑन का मतलब होता है कि जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं सिर्फ उसी दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। कल क्या होगा नहीं पता, कल क्या होना वाला था नहीं पता, आज क्या है वो पता है बस। दूसरा सबसे पहले डालेंगे कैपिटल जो हमने लगाई थी, इसमें एड कर देंगे नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर नेट लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। बताओ प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में अच्छे से सीखा हमने। और माइनस, इसमें माइनस करना सर ड्राइंग्स, इसमें क्या माइनस कर देना सर? ड्राइंग्स माइनस कर देना। और माइनस करने के बाद देखो नेट लॉस माइनस होगा, इनकम ऐड होगी, जो भी आएगा वो यहाँ डाल देना। फिर लिखना सर आपके पास अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? अदर लायबिलिटी मैं लिख देता हूँ, एक दो लायबिलिटी और लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल है जब इतना कर लिया तो। जैसे हो गया बैंक लोन, तो हो गया ओवरड्राफ्ट, सर आपके पास हो गया आपके पास करंट लायबिलिटी जिसमें क्रेडिटर कहते हैं क्रेडिटर, और आपके पास बताओ कौन कौन सी लायबिलिटी? बिल पेबल, बस इतनी बहुत है, इतनी लायबिलिटी बहुत है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह सीखेंगे सर, जितना टोटल इसका आएगा उतना टोटल इसका भी आना चाहिए, उतना टोटल इसका भी आना चाहिए। फिक्स एसेट पहले लिखते हैं हम, फिक्स एसेट
पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, फिक्स एसेट। एसेट को दो भागों में बांटा, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट। एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट। दो तीन बातें लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बैलेंस शीट को भी। फॉर्मेट ही तो ऐसे ना, जब तक हम बैलेंस शीट देखो फॉर्मेट में क्या लिखे, सबसे पहले लिखते हैं बिल्डिंग। फिक्स एसेट मतलब टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह जो भी हो गए, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा, बस वो होता है। यहाँ पर आ गया आपके पास डेटर, डेटर हमारी एसेट होती है। यहाँ पर हमारे पास आ गया डेटर के बाद क्या आ गया, और बी आर आ गया। यहाँ पर आ गया कैश एंड बैंक दोनों, और यहाँ पर जो उसका टोटल होगा वो हमेशा बराबर आएगा। समझने लायक जो थी वो चीज ये थी, समझने लायक वो चीज ये थी, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग माइनस होता है नेट लॉस, और बाकी कुछ समझने लायक नहीं है। बाकी तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी अब जाना आपको आता ही है, लायबिलिटी करेंट साइड में और सेट डेबिट साइड में डाल दो, खत्म हो गया। तो ये कुछ इस तरह का सा फॉर्मेट था, मैंने एक बार बता दिया फिर भी, बाकी मुझे पता था आपको आता है, अगर नहीं आता फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है। अब दोस्तों अब कुछ नई बातें हमें सीखनी है मेरे भाई, अब कुछ नई नई बातें हमें सीखनी है, और नई नई बातें क्या है वो देखते हैं दोस्तों। कुछ बातें सीखने से पहले मुझे आपको कुछ चीज बतानी है, एक क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर, और ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें हमें बताना है सर, इसमें हमें ये बताना है कि आपके पास ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, इस फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग आइटम विल बी शो इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो भाई ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैं टी फॉर ट्रेडिंग हुआ, पी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट लिखूंगा, तो वेजेस अकाउंट कहां जाएगा, वेजेस खर्चा डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पावर एंड फ्यूल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। रिपेयर एंड मशीनरी, जो मैंने कहा ना गिनती के पांच आइटम मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रेडिंग में जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे कहां जाएंगे, पीएनएल में जाएगा। जैसे कि वेजेस हो गया, पावर और फ्यूल हो गया, फ्रेट हो गया, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ट जाता है, आउटवर्ट नहीं जाता, कैरिज इनवर्ट जाएगा, कैरिज इनवर्ट जाएगा सर, और कुछ नहीं जाता मेनली, खर्चे में बता रहा हूँ, खर्चे में बस। आगे कभी आएगा तो मैं बताता हूँ आपको, अभी तक इतना देखो। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग खर्चा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है आपको। क्लोजिंग स्टॉक और WIP वर्क इन प्रोग्रेस, अभी क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, चाहे फिनिश गुड है चाहे WIP चाहे रॉ मटेरियल कुछ भी हो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, सेल ही जाती है बस, सेल को लास्ट में सेल लिखे, सेल ही ट्रेडिंग में जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे पीएनएल अकाउंट में जाएंगे सारी इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन पे करा है पीएनएल अकाउंट, टेलीफोन पीएनएल अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट, ये देखो इनमें से नहीं है ना कोई खर्चा बस। ऑडिट फीस, चेकिंग करने की फीस पीएनएल अकाउंट, कैरिज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट, कैरिज इनवर्ट आ गया, फ्रेट इनवर्ट भी ट्रेडिंग अकाउंट, पर फ्रेट आउटवर्ट देगा, कंफ्यूज करेगा आपको, फ्रेट आउटवर्ट है, इनवर्ट आने का खर्चा पीएनएल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जाने का खर्चा पीएनएल अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है सर, ये आगे पीएनएल अकाउंट में आएगा। बैड डेट हमारा लॉस होता है पीएनएल अकाउंट में आता है। प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट पीएनएल अकाउंट में आएगा। हाँ ये क्या होता है अभी सीखेंगे, अभी एडजस्टमेंट चालू कहां करी हमने, अभी सीखेंगे। रिटर्न इनवर्ट और सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सर। डिस्काउंट अर्न, मैंने कहा सेल को छोड़कर बाकी जितनी भी इनकम है वो पीएनएल अकाउंट में आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी, व्हेन डेप्रिसिएशन लग गया लॉस हो गया हमारा पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर खर्चा हुआ पीएनएल अकाउंट में, खत्म हो गया कहानी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया सर, स्टडी मैट के अंदर गिवन था तो मैंने करा दिया, चलो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, 20-24 थी, देख दिया मैंने, कहा गिनती का ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट का समझ में आ गया तो बाकी सब। बाकी आपको अगर पहले से पढ़ा है तो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, सिंपल था, ठीक है सर। अब बढ़ते हैं आगे, तो दोस्तों जितना मैंने फॉर्मेट बताना था बता दिया है, अब स्टार्ट कर देते हैं एडजस्टमेंट्स, क्योंकि सर बहुत टाइम हो चुका है, बेसिक बहुत हो चुका, जितना बेसिक ठीक होना था हो चुका, और इतने बेसिक में आपको समझ में भी आ जाता, इतना बेसिक बहुत होता है दोस्तों, इतना बेसिक बहुत होता है, इतना बेसिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें करने वाले हैं। अब आपको इतने बेसिक से आपको पूरा पीएनएल अकाउंट समझ में आने वाला है सर। अब शुरू होता है हमारा एडजस्टमेंट, तो आज की जो अब से क्लास, जो असली क्लास तो मेरी अब से चालू हुई है, तो मैं अभी क्लास में आपको सिर्फ कराऊंगा कि एडजस्टमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये दो बातें आज की क्लास में सीखने हैं। नीड्स फॉर एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पहले नीड्स पढ़ेंगे फिर मीनिंग पढ़ेंगे, तो ये लिखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपके पास नॉलेज मेकिंग होता है। नीड्स फॉर एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट की नीड्स क्यों पड़ी, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट की नीड्स क्यों पड़ी, क्यों जरूरत हुई हमें एडजस्टमेंट करने की।
सर हम एडजस्टमेंट करते हैं, आपको बता रहा, कोई पता है कि एडजस्टमेंट करी होती है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, तो ये सारी एडजस्टमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखो सर, लिखते हैं सर एक एक करके पॉइंट और मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। पहला पॉइंट लिखना, final account are prepared to determine the financial performance, determine the financial performance, determine the financial performance for the accounting period, for the accounting period, ये तो समझ में आ रहा होगा, for the accounting period, भाई final account क्यों बनाते हैं? Final account इसलिए बनाते हैं कि हमें एक accounting period का क्या मिल जाए, financial performance मिल जाए, ठीक है? ये तो मैंने आपको basic सबसे पहली क्लास में सिखाया था ये, ठीक है भाई? तो मैंने ऐसे लिख दी कि भाई एक बार फिर दोबारा revise हो जाए। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर बनाने का मकसद ही क्या था? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक अकाउंटिंग पीरियड की जानना, एक अकाउंटिंग पीरियड की फाइनेंशियल। अब यहां से शुरू होता है, ऑल रिवेन्यू अर्न, आपको पता है सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल में सिर्फ रिवेन्यू आइटम जाते हैं, कैपिटल सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जाती है। ऑल रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ऑल रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, यहां मैं लिखता हूं वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट एंड एक्सपेंस इंकर्ड, एंड ऑल एक्सपेंस इंकर्ड, ऑल एक्सपेंस इंकर्ड, All expense incurred during the year, during the year, पूरे साल में, all expense incurred during the year, whether paid or not, whether paid or not, whether paid or not, are recorded, whether paid or not, are recorded in the books of account. Are accounted, accounted का मतलब accounted है, accounted का मतलब होता है recorded, record करना, following the accrual assumption, following the accrual assumption, following the accrual, accrual assumption की वजह से, accrual assumption बोल लो या accrual concept बोल लो, following the accrual assumption या concept। दोस्तों बातों को ध्यान समझ, देयरफोर देयरफोर एक्सपेंस इंकर्ड फॉर द ईयर, देयरफोर पहला पॉइंट लिखना एक्सपेंस इंकर्ड, एक्सपेंस इंकर्ड For the year, expense incurred for the year, whether paid or not, are included, include करेंगे। दूसरी बात लिखना सर, लिखना इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, whether received or not, are included,
सर तीसरा, अगर आपको नॉलेज चाहिए ना दोस्तों, तो नॉलेज के लिए लिखना ही पड़ेगा एक्सपेंस रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर, एक्सपेंस रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर आर एक्सक्लूडेड, अभी लिखता हूं, फिर लिखना इनकम अर्न रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर एक्सपेंस इनकर कर देना दोस्तों, यहां पर इनकर इनकम अर्न रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर आर एक्सक्लूडेड आर एक्सक्लूडेड और आर एक्सक्लूडेड। देखो दोस्तों ध्यान से बातों को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं अभी की क्लास में। हमें एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान सुनो, हमें एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात ध्यान से देखें एक बार दोस्तों। पहला पॉइंट तो सिंपल था, पहला पॉइंट की दिक्कत नहीं है, दूसरे पॉइंट की दिक्कत है। पहला पॉइंट ये कहता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कराने का मतलब ये होता है फाइनेंशियल पोजिशन निकालना। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि देखो भाई ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक्यूरल बेसिस ऑफ अजम्पशन कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, एक्यूरल अजम्पशन को फॉलो करता है। जितनी भी रेवेन्यू हम ड्यूरिंग द ईयर कमाते हैं, मैंने कुछ सेल करी, सेल करके मैंने कुछ कमाया, अब वो जो चीज मैंने कमाई क्या वो कैश मिला या नहीं मिला, वेदर रिसीव्ड और नॉट, कमा लिया अर्न कर लिया मैंने किसी को, मैंने मान लो आपको माल बेचा और एक दूसरे पर्सन को माल बेचा, आपको मैंने कैश में माल बेचा तो आपने मुझे कैश दे दिया, तो ये इनकम तो कमा ली मैंने, बेचते मैंने इनकम कमा ली थी पर मुझे मिली अभी रिसीव्ड हुई, और मैंने किसी और पर्सन को माल बेचा पर उसने अभी तक मुझे कैश नहीं दिया। तो दोस्तों वेदर रिवेन्यू अर्न, जब हम सारे रिवेन्यू कमा लेते हैं ये मत देखना कि वो रिसीव्ड हो रही है नहीं, उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉलो करता है एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन क्या कहता है, एक्यूरल अजम्पशन कहता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है तो आप रिकॉर्ड कर देना, ये मत देखना कि पैसा आया है या गया है, ये मत देखना कि पैसा आया है या नहीं आया, गया है या नहीं गया, तुम्हारा। तो अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक्यूरल अजम्पशन फॉलो करता है तो हम वो रिवेन्यू भी रिकॉर्ड करेंगे जो इस साल कमाई है पर अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई, मैं वो रिवेन्यू भी रिकॉर्ड करूंगा जो इस साल कमा ली है पर मिल भी गई। तो सर मेरे को ये नहीं देखना कि पैसा आया है या गया है, मुझे क्या देखना है, सिर्फ मुझे देखना है क्या इस साल कमाया है, अगर इस साल कमाया है तो मैं इनकम मान लूंगा, उसको इनकम मानी जाएगी, अगर वो इस साल कमाया है तो उसको इनकम मानी जाएगी। मैंने कोई खर्चा करा इस साल, करा मैंने, अब इसका पेमेंट नहीं करा या पे कर दिया, ये मत देखना कि पे करा या नहीं करा, बस ये देख लेना कि खर्चा इस साल का है या नहीं। अगर आपने एक्सपेंस इस साल पे करने हैं या करोगे, पे कर दिए या करोगे इस साल के, खर्चे किस साल के है, इस साल के है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा, ये मत देखना कि पे करा हो या नहीं करो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक्यूरल अजम्पशन को फॉलो करता है, और एक्यूरल अजम्पशन कहता है ट्रांजेक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड कर दो जिस टाइम हुई है, ये मत देखना कि पैसा आया है या नहीं, ये मत देखना कि पैसा गया है या नहीं। तो मैंने कहा जितनी भी रिवेन्यू है अगर वो इस साल कमाई गई है तो इस साल उसको इनकम मानी जाएगी, जितनी भी रिवेन्यू है अगर वो इस साल कमाई गई है तो उसको इस साल इनकम मानी जाएगी, कि वो मिली हो या ना मिली हो, मेरे हाथ में आई हो या ना आई हो। मैंने सैलरी कमा ली पर बॉस ने भी सैलरी नहीं दी तो मैंने कहा ये इनकम तो कमा ली ना, ये रिकॉर्ड होगी। मैंने सैलरी पे करी, पे करनी थी अभी तक नहीं करी पर खर्चा तो होगा, पे तो करनी है ना इस साल की सैलरी, तो सर वो आएगा। इनकम आन करते ही रिकॉर्ड कर देना, ये मत देखना कि रिसीव्ड होया नहीं, खर्चा पे इंकर होते खर्चा जैसे ही हुआ ये मत देखना कि पे कर दिया या नहीं कर दिया, रिकॉर्ड कर देना अगर वो इस साल का है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वो इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं, वो रिवेन्यू भी रिकॉर्ड करते हैं जो अभी रिसीव्ड नहीं हुआ, और हम वो खर्चा भी पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, खर्चा मानते हैं जो अभी तक पे नहीं हुआ, पर पे तो होगा, पे तो करना ही है, ये साल है तो इसी साल का तो पे नहीं हुआ तो वो भी रिकॉर्ड करना। ये तो बात क्लियर कर दी मैंने, अब यह कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बार बार समझाकर क्लियर कर दिया, एक्यूरल अजम्पशन फॉलो करता है, ये बात क्लियर है। अगर मैंने कहा देयरफॉर इसलिए एक्सपेंस इनकर, वो एक्सपेंस जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर हुए
वेदर पेड और नोट आर इंक्लूडेड, क्या उनको रिकॉर्ड करा जाएगा नहीं करा जाएगा? हाँ करा जाएगा, अगर खर्चा हुआ, चाहे पे करा हो चाहे नहीं करा हो, पर ड्यूरिंग द ईयर खर्चा हुआ है तो वो रिकॉर्ड होगा, वो इंक्लूड करा जाएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। इनकम कमाई थी ड्यूरिंग द ईयर, इस साल इनकम कमाई थी, अभी तक मिली नहीं, क्या पता अगले साल मिलेगी, क्या पता उससे अगले साल मिले, वो नहीं देखना हमें, हमें ये देखना है क्या वो इनकम इस साल कमाई थी, अगर वो इस साल कमाई थी तो वो इंक्लूड कर देना। दोबारा समझना, आप मैंने कहा वो खर्चा जो इस साल होना है कर दिया, खर्चा इंकर हो चुका पर पे अभी तक नहीं करा, करना है पे, जब पे कर दिया करो या ना करो मुझे मतलब नहीं, वो खर्चा इस साल हुआ था या अगले साल हुआ था, सर इस साल हुआ था, अगर वो इस साल हुआ तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा ये, अगर वो इनकम इस साल कमाई है चाहे मिले या ना मिले तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, उसको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करने का मतलब है कि एक्सपेंस को डेबिट साइड में भेजेंगे, इनकम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? यहीं आई आगे से समझ में आ गई बात आपको। अब लास्ट के दो पॉइंट देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ही तो एडजस्टमेंट बनना चालू होता है जरूरत की वजह दोस्तों। इंक्लूड करने और एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है? मैंने कहा मेरा एक खर्चा था सैलरी, मैंने पे कर दी, मैंने 50,000 रुपए की, पर पे मुझे करनी थी 80,000 रुपए। ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे को सैलरी पे करनी थी 80,000 रुपए, पर मैंने पे कितनी करी है? सिर्फ 50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 50,000 दिखाई जो पे करी, पर सर पे तो कितनी करनी थी, खर्चा तो कितना था सैलरी पे करने का? अब दोबारा समझो, मैं दोबारा बता रहा हूं। आप मेरे इंप्लॉई हो और मैंने आपको 80,000 रुपए की सैलरी देनी है। मैंने आपसे कहा कि मेरे को इस साल आपको 80,000 रुपए की पेमेंट करनी है, पर अभी मेरे पे है नहीं, अभी 50,000 रुपए ले ले, बाद में ले लेना मेरे से 20-30,000 बाद में ले लेना। क्या बताओ मेरा खर्चा 50 का हुआ है जो मैंने एक्चुअल पेमेंट कर दिया, 80 का हुआ है? सर खर्चा 80 का हुआ, ये तो पता चल गया कि एक्सपेंस 80 का हुआ। अब मैंने क्या करा, अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको अपने पीएन अकाउंट में अभी 50,000 ही दिखाया, अपने पीएन अकाउंट में कितना दिखाया, अभी 50 ही दिखाया, तो मुझे कितना दिखाना चाहिए दोस्तों? मुझे 80 दिखाना चाहिए, तो मैं इंक्लूड कर दूंगा 30,000। इनकम मैंने कमा ली, मुझे कमीशन मिला, मुझे 50,000 का कमीशन मिलना था, पर मेरे हाथ में भी 30 ही आया, तो मैं इनकम कितनी कमाई सर 50,000, तो 30 रिकॉर्ड करा, 20 और रिकॉर्ड करो, जो मिला नहीं है वो भी इनकम है, रिकॉर्ड करो, इस साल कमाया है आपने, मिले ना मिले मैटर नहीं करता, इनकम इस साल कमाई है तो रिकॉर्ड करना है, खर्चा इस साल हुआ है तो पे करना रिकॉर्ड करना है। बट अगर नीचे देखो, अगर मैंने कहा एक्सपेंस इनकर, वो खर्चा जो इनकर्ड हो गया सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब इस ईयर में नहीं हुआ, अगले साल हुआ है या उससे अगले साल हुआ है, सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ है, तो वो उस खर्चे को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं, वो अगले साल का है या तो पिछले साल का है। दोबारा समझो क्या बोला मैंने, वो सिंपल सी एक लाइन बोल रहा हूं, वो खर्चा आप रिकॉर्ड करोगे जो इस साल से रिलेट कर रहा है, अगर खर्चा अगले साल से रिलेट कर रहा है पर इस साल पे कर दिया, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, वो हटा देंगे उसको, क्योंकि खर्चा अगले साल होने वाला है। मेरे को फैक्ट्री का रेंट 1,00,000 पे करना था दोस्तों, और मैंने फैक्ट्री का रेंट 1 की जगह 2,00,000 पे कर दिया इस साल, क्या इस साल 2,00,000 पे करने से खर्चा मेरा 2,00,000 का हो गया? नहीं सर, फैक्ट्री रेंट तो 1 ही पे करना था, आपने एडवांस में 1,00,000 रुपए और पे कर दिया, तो 1,00,000 जो एडवांस मैंने करा है वो अगले साल के लिए है, अगर वो अगले साल के लिए है तो खर्चा भी अगले साल का है, इस साल उसको हटा देंगे, इसलिए हमें जरूरत पड़ी नीड्स ऑफ एडजस्टमेंट की, क्योंकि ऐसे कुछ खर्चे जो इस साल पे कर देते हैं पर होते अगले साल के लिए है, ऐसे कुछ खर्चे जो इस साल पे करने थे पर करा नहीं होता वो इंक्लूड करना चाहिए, है तो इस साल के, ऐसे कुछ खर्चे जो पिछले साल पे करने थे पर करा नहीं पर इस साल पे कर दिए पर है तो पिछले साल के, सर हटा दो उसको यहां से। तो सिंपल सी बात है, हमें एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? एडजस्टमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे कभी कोई इनकम हो जाती है या ऐसे कोई खर्चा हो जाता है जो इस साल पे करना था या इस साल कमाया पर अभी मिला नहीं, इसलिए इंक्लूड कर दो, ऐड कर दो, बढ़ा दो, इसलिए एडजस्टमेंट हुआ, यही तो एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट मतलब इनकम अगर कम है तो उसको ऐड करके बढ़ा दो, यही एडजस्टमेंट होती है। इनकम अगर ज्यादा है तो उसको कम करके घटा दो अगर वो अगले साल से रिलेट करती है। तो मैंने कहा मैं इनकम कमाई 5,00,000 रुपए, जिसमें 2,50,000 रुपए इस साल की है और 2,50,000 रुपए पिछले साल की, मुझे इस साल मिल गई। पिछले साल की इनकम 2,50,000 कमाई, इस साल भी 2,50,000 कमाई, इस साल की इनकम तो इस साल रिकॉर्ड होगी, पिछले साल की पिछले साल रिकॉर्ड होगी, मिला इस साल है। इस साल मिलने से मतलब नहीं होता सर, इस साल मिलने से मतलब ही नहीं है। अगले इस साल मेरी इनकम कमाई 2,50,000 रुपए, अगले साल भी इनकम कमाई 2,50,000 रुपए, अगले साल भी इनकम, इस साल 2,50,000 की इनकम होनी थी मेरी, मेरे को मिल गई, अगले साल की इनकम भी मुझे मिल गई, तो क्या 5,00,000 रुपए इनकम मान लू या 2,50,000 इनकम मान लू? सर 2,50,000 ही इनकम मानेंगे, तो आपने जो 5,00,000 कैश रिसीव हुआ है, आपकी जो इनकम 5,00,000 दिख रही थी, आप उसमें से 2,50,000 हटा दो जो अगले साल का है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, वो इनकम जो सब्सिक्वेंट ईयर में अगले साल, अगले साल, अगले साल, आज करंट ईयर है, अगले साल,
अगले साल अगले कल सब्सिक्वेंट ईयर में आप वो रिलेट करती है वो इनकम इस साल से रिलेट नहीं करती तो उसको हटा दो, और वो इनकम जो इस साल से रिलेट करती है आपने ऐड नहीं कराओ तो उसको ऐड कर दो। और यही ऐड और लेस करना इनकम को बढ़ाना घटाना, खर्चे को बढ़ाना घटाना, इसलिए हम इसको बोलते हैं नीड्स फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनकम अभी मैंने इनकम थी पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी तो रिकॉर्ड कर देंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा इनकम को। इनकम को क्या करना पड़ेगा, मैंने 50,000 रुपए कमाया पर अभी 30,000 रिकॉर्ड कर रहा है तो 20,000 और करो क्योंकि कमाया 50,000 है, तो इनकम को 30,000 से 20,000 और बढ़ा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसलिए मुझे नीड्स ऑफ एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी जरूरत, समझ में आ गया आपको? यहाँ सर ये बातें हमें क्लियर होगी। तो अब समझ में आता है कि एडजस्टमेंट होती क्या है, क्या समझ में आता है आप एडजस्टमेंट कहते किसे है? ध्यान देना, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। तो मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट एंट्री, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये मैं आपको दोस्तों सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है? दोस्तों ऑल एंटरप्राइज देयर आर इन एन एंटरप्राइज किसी भी बिजनेस के अंदर, इन एन एंटरप्राइज In an enterprise, there are number of transactions related to income and expense. रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंस, आपको पता है एक एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारी इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है। कुछ ट्रांजेक्शन कैश होती है, कुछ ट्रांजेक्शन उधार पे होती है, कुछ ट्रांजेक्शन की इनकम आनी होती है, कुछ ट्रांजेक्शन इनकम कमानी मिली नहीं होती, एक्सपेंस हो चुका होता है, पे नहीं होता। विच नीड टू बी एडजस्ट, जो हमें क्या है, जरूरत है एडजस्ट करने। हमें आपको सिखाया जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ इनकम ऐसी होती है जो ऐड नहीं करती पर होती साल की, इसलिए ऐड कर देते हैं। नीड टू बी एडजस्ट जिनको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। जरूरत होती है एडजस्ट करने की। हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ इनकम ऐसी होती है जो पहले से ऐड नहीं है पर है इस साल की, इसलिए ऐड करना पड़ता है। और कुछ इनकम ऐसी होती है जो पहले से ऐड है, इनकम ऐड कर दी पर है अगले साल की, इसलिए हटाना पड़ता है। नीड टू बी एडजस्ट, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? नीड टू बी एडजस्टेड सो दैट जिससे क्या हो, जिससे फाइनल अकाउंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सही और बिल्कुल सच्चा व्यू, मतलब बिल्कुल सही डिटेल बताएगा फाइनल अकाउंट, अगर हमने एडजस्ट ढंग से नहीं करा। एडजस्ट की जरूरत होती है जिससे हमारा क्या होगा, फाइनल अकाउंट। देखो वो इनकम जो इस साल कमा ली पर रिकॉर्ड नहीं करी, तो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, तो एडजस्ट करूंगा नहीं तो अगर मैं उसको एडजस्ट नहीं करता, उस इनकम को छोड़ देता, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनल अकाउंट कभी भी सही नेट प्रॉफिट सही नहीं दिखाता, ग्रोस प्रॉफिट सही नहीं दिखाता। तो फाइनल अकाउंट को ट्रू एंड फेयर व्यू निकालने के लिए हमें कुछ ट्रांजेक्शन को जो इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ऑल सच आइटम, अगला दूसरा पॉइंट लिखना सर, ऑल सच आइटम विच नीड टू बी एडजस्टेड
जो आइटम विच नीड टू बी एडजस्टेड, ऑल सच आइटम, वो सच आइटम, वो सारी आइटम जिनको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। मान लो मैंने इस साल 5 लाख कमाया, जिसमें से 50,000, जिसमें से 2 लाख, 2.5 लाख कैश कमाया, 2.5 लाख उधार पे, अभी मिला नहीं है, कमा लिया है, और मैंने 5 लाख का रिकॉर्ड कर दिया। जब 5 लाख कमाया और मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया तो एडजस्ट करने की जरूरत है नहीं। हाँ, 5 लाख कमाया पर अभी 2.5 लाख ही रिकॉर्ड करा, 2.5 लाख और जरूरत है एडजस्ट करने की, और डालने की जरूरत है। तो वो कहते हैं वो सच आइटम, वो सारी आइटम, हर आइटम में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वो आइटम जो अभी छूट गई है एडजस्ट करने के लिए, वो ऑल सच आइटम विच नीड टू बी, जिनको एडजस्टमेंट की जरूरत है, जिनको एडजस्ट करने की जरूरत है, जिनको बढ़ाने घटाने की जरूरत है, विच नीड टू बी एडजस्टेड व्हेन फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, कुछ आइटम में एडजस्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने पहले बढ़ा दिया होगा गलती से तो घटाना पड़ेगा, हमने घटाया होगा, हमने नहीं लिखा होगा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रिपेयर करते टाइम प्रिपेयर आर कॉल्ड एडजस्टमेंट, उसी को हम क्या बोल देंगे, एडजस्टमेंट बोल देंगे। दोस्तों वो सारी आइटम जिसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम वो सारी आइटम जिसको एडजस्ट करने की जरूरत होती है उसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, जब कर देते हैं। आई बात समझ में, एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है और हम जब एडजस्ट कर देते हैं इसी को हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट्स। वो सारी आइटम जिनको एडजस्ट करने की जरूरत है, जिनको बढ़ाने घटाने की जरूरत है, जिन खर्चे को बढ़ाने या घटाने, जिन इनकम को बढ़ाने या घटाने की जरूरत है, वो सारी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट बनाते टाइम अगर हम कर रहे हैं तो इन्हीं को नाम दिया जाता है एडजस्टमेंट्स। क्लियर? अब एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जब हम पीएनएल अकाउंट के अंदर बढ़ाएंगे, एड और लेस करेंगे किसी इनकम और खर्चे को, तो उसके लिए मुझे एक एंट्री भी पास करनी पड़ती है। जब एडजस्ट कर रहा हूं ना मैं, जो इनकम को बढ़ा रहा हूं, आगे जाकर सिखाऊंगा, अभी देखो 14-15 एडजस्टमेंट है वो सीखेंगे कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। जो इनकम को मैं बढ़ा रहा हूं और जो इनकम को मैं घटा रहा हूं, उस घटाने बढ़ाने के लिए मुझे एक एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, और जो एंट्री मैं एडजस्ट करने के लिए पास कर रहा था, जो मैं एडजस्ट करा एड लेस करके, उसके लिए जो कोई एंट्री पास कर रहा हूं, तो वो एंट्री का नाम होगा एडजस्टमेंट वाली एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। आई बात समझ में नहीं आई? लो भाई, जनरल एंट्री पास, क्योंकि जनरल सर अकाउंट में एड लेस करने से रिकॉर्ड होना होता है, जनरल एंट्री पास करने से रिकॉर्डिंग होती है। अकाउंट में मैंने एड लेस कर दिया सर, उसको रिकॉर्डिंग नहीं बोलते। जब रिकॉर्ड कब बोलते हैं, जब मैंने जनरल एंट्री पास करी होती है, तो उसका मतलब जनरल एंट्री आर पास्ड, जनरल एंट्री। इसके लिए मुझे क्या करना, एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड लेस तो करना पड़ेगा, साथ में अकाउंट में जनरल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, उसके लिए एक एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री आर पास्ड गिविंग इफेक्ट, Giving effect to the adjustment, adjustment का effect चले जाए, adjustment का, देखो add less करने से effect नहीं होता, हाँ add less करा पर साथ में entry भी pass करी, तभी adjustment entry मानी जाती है, पूरी entry मानी जाती है, पूरी adjustment तभी मानी complete होती है जब add less करते के बाद adjustment entry भी pass करी होती है accounts के अंदर। जनरल एंट्री आर पास गिविंग इफेक्ट टू द adjustment, adjustment का effect देने के लिए जब जनरल एंट्री पास होती है, adjustment का effect देने के लिए जब जनरल एंट्री पास होती है, तो एडजस्टमेंट को इफेक्ट देने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए जब जनरल एंट्री कोई पास होती है, तो दीज एंट्री आर नोन एज, दीज एंट्रीज आर नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री, नोन एज एडजस्टमेंट एंट्री, इसी एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, एड लेस करता, एडजस्टमेंट कब कम्प्लीट होगी, जब एड लेस करने के बाद उसमें एंट्री भी पास करेंगे, और जब हम कोई एंट्री पास करते हैं एडजस्टमेंट को इफेक्ट देने के लिए, उसी को हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या नाम देते हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट्स एंट्रीज। लो भाई, भाई इतना डिटेल में कौन बताता है, सीधा एडजस्टमेंट करा देता मैं, सीधा एडजस्टमेंट करा सकता था, पर नहीं दोस्तों, मजा नहीं आता ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होती है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी तो हमें करना होता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया हमें हटाना होता है, क्योंकि रिलेट करती है नेक्स्ट ईयर को, जो इस ईयर को रिलेट करती है वो डालेंगे, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करके हटा देंगे। और जब भी कोई एडजस्टमेंट की, जिस एंट्री को एडजस्टमेंट की जरूरत होती है उसमें हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। जब किसी एंट्री में किसी ट्रांजैक्शन में किसी भी आइटम में जब एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, और उस एडजस्टमेंट को इफेक्ट देने के लिए कोई भी एंट्री पास करते हैं उसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। लो भाई, लो आज की क्लास को दोस्तों यही समाप्त करते हैं, और अब
हमारा स्टार्ट कर देंगे एडजस्टमेंट्स। अब अगर मैं एडजस्टमेंट वर्ड का यूज कर रहा हूं तो समझ लेना कि मैं एड लेस करने की बात कर रहा हूं, मैं एंट्रीज पास करने की बात कर रहा हूं, जो मैंने जरूरत है जिस ट्रांजेक्शन को, जो मैंने ऐड नहीं करी वो ऐड करूंगा, जो मैंने माइनस नहीं करा, जो मैंने हटाया नहीं, मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है पहले से, खर्चा 2.5 लाख रुपए हुआ, 50,000 अगले साल का था, मैंने पूरे 2.5 लाख डाल दिया तो गलती कर दी, 50,000 यहां से हटा दूंगा। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट से अब हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, विद एडजस्टमेंट्स। अगर आपने 14 एडजस्टमेंट्स को ढंग से सीख लेना 14 एडजस्टमेंट, तो 100% गारंटी है ना, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा ना आप आराम से कर लोगे। 14 से 15 एडजस्टमेंट कराऊंगा अगर उसको आपने ढंग से सीख लिया ना, एक एक चीजें सीख ली, और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ट्रांजेक्शन, कैसे बैलेंस शीट को बराबर लाया जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर, बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बाकी सब कुछ हो जाता है। हाँ, वो भी एक ट्रिक बताऊंगा, अगर वो आपने समझ लिया तो 100% बैलेंस शीट मैच होगी, कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो किसी भी बुक का आराम से कर लोगे 15 एडजस्टमेंट अगर ढंग से कर। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।